मॉडर्न बाबा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। भारत में रेलवे दूर का सफर करने के लिए लोगों की पहली पसंद है। पूरे भारत में रेल की पटरियों का जाल बिछा हुआ है, लेकिन क्या आपकी नजर इन पटरियों पर बिछे पत्थरों पर पड़ी है? क्या आप जानते हैं इन पत्थरों का महत्व क्या है? यह वीडियो हाइम्स फिल्म्स प्रोडक्शन के सपोर्ट से बन पाया है। रेलवे पर बिछाए गए इन पत्थरों को बैलेस्ट कहते हैं। रेलवे में इन पत्थरों का काफी महत्व रहता है। ये पत्थर चट्टानों को तोड़कर बनाते हैं और फिर इन्हें बालू या ईंट के टुकड़ों से बनाया जाता है। ये नुकीले होते हैं और इन पर चल पाना काफी मुश्किल होता है, फिर भी ये काफी जरूरी होते हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं इनके फायदे। रेल की पटरियों पर बिछे लकड़ी के पट्टे लोहे के ट्रैक्स को जमीन से उठाकर रखते हैं। ये पत्थर इन पट्टों को एक जगह जमा रखते हैं। अगर ये पत्थर ना हो तो लकड़ी के पट्टे एक जगह स्थिर नहीं रह पाएंगे, जिसके कारण पटरियां हिलेंगी और एक्सीडेंट होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे। ये पत्थर ट्रैक से पानी का बहाव तेजी से कर देती है, जिसके कारण ट्रैक पर पानी का जमाव नहीं हो पाता। इन पत्थरों की वजह से ट्रैक के आसपास घास या पौधे नहीं उग पाते। अगर ये ना हो तो ट्रैक्स पर कई तरह के पौधे उग जाएंगे। दोस्तों, रेल जब पटरी पर चलती है तो उसके पहियों से बहुत ज्यादा हीट उत्पन्न होती है। यह गर्मी पटरी और पहियों के बीच में घर्षण के कारण उत्पन्न होती है। ये पत्थर उस गर्मी को अवशोषित कर लेते हैं। अगर इन पत्थरों का इस्तेमाल न किया जाए तो आसपास के मकानों और इमारतों को नुकसान पहुंचने की संभावना बनी रहती है। गिट्टी बिछाने के पीछे एक और महत्वपूर्ण कारण यह है कि दूसरे किसी भी वाहन की अपेक्षा रेलगाड़ी वजन में बहुत भारी होती है। यदि पटरियों को सीधे ही जमीन पर बिछाया जाए तो रेल के चलने पर उनके बीच जमीन में धंसने का डर बना रहता है। गिट्टी पटरियों को जमीन में धंसने से रोकती है। पत्थर जिन्हें आप रेलवे पटरियों के पास देखते हैं, उन्हें सामूहिक रूप से ट्रैक गिट्टी कहा जाता है। यह मूल रूप से ट्रैक बीड बनाता है, जिस पर रेलवे स्लीपर रखा जाता है। ट्रैक गिट्टी स्लीपरों के बीच नीचे के क्षेत्रों में और रेलवे पटरियों के किनारे पैक किए जाते हैं। एक रेलवे स्लीपर एक आयताकार सपोर्ट होता है, जिसे आमतौर पर पटरियों को जोड़ने के लिए बीच में वर्टिकल रखा जाता है। स्लीपरों को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे एक रेल टाई या त्रोष्टी। ये आमतौर पर लकड़ी या कंक्रीट से बने होते हैं, हालांकि बाद में इसे अधिक व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। रेलवे स्लीपरों का कार्य है कि रेल को सीधे और उचित स्थान पर बनाए रखा जाए। यह ऐसे पत्थर नहीं है जैसे निर्माण के लिए किसी भी आम पत्थर को इस्तेमाल किया जाता है। ये अलग तरह के पत्थर होते हैं। अगर ये आम पत्थर होंगे तो यह काम नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए, यदि आप गिट्टी में चिकनी गोल कंकड़ डालते हैं तो जब कोई ट्रेन पटरियों पर गुजरती है तो वे रेल या एक दूसरे पर स्लाइड कर सकते हैं, इसलिए वे अपने मुख्य काम में असफल रहेंगे, जो कि पटरियों को एकता प्रदान करता है। यह तथ्य देखते हुए आपको एक विशिष्ट प्रकार के पत्थरों की जरूरत होती है, जो बिल्कुल भी पटरियों के पास एक दूसरे पर स्लाइड न करे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पत्थरों के स्थान पर रहने के लिए वे गिट्टी में तेज और धार वाले पत्थरों का उपयोग करते हैं। दरअसल जब ट्रेन चलती है तो उससे जमीन और पटरियों में कंपन पैदा होता है। इसके अलावा तेज धूप से पटरियां फैलती है और सर्दियों में सुकड़ती है। इससे ट्रेन का पूरा भार लकड़ी या सीमेंट की सिलियों पर आ जाता है, लेकिन पटरियों के बीच पत्थर बिछे होने के कारण सारा भार इन पत्थरों पर चला जाता है, जिसके कारण कंपन, पटरियों का सिकुड़ना, ट्रेन का भार सभी संतुलित हो जाते हैं। इसके साथ ही रेल की पटरियों के बीच पत्थर बिछाने की एक वजह यह भी है कि जब रेलवे ट्रैक से होकर भारी भरकम ट्रेन गुजरे तो उसके भार का संतुलन बना रहे और जमीन को कोई नुकसान न पहुंचे। इसके अलावा रेल की पटरियों के बीच पत्थर बिछाने से बारिश का पानी आसानी से बहता है और रेल की पटरियों के बीच और उसके दोनों ओर कीचड़ नहीं होता है। इसके अलावा रेल की पटरियों के बीच
पत्थर बिछाने से ध्वनि प्रदूषण से भी बचाव होता है। गिट्टियों की मात्रा रेलवे ट्रैक के हिसाब से बिछाई जाती है। गिट्टी की गहराई यातायात की घनत्व के साथ भिन्न होती है, क्योंकि तेज और भारी यातायात में अधिक स्थिरता की आवश्यकता होती है। गिट्टी की मात्रा भी वर्षों में बढ़ती जाती है, क्योंकि अधिक से अधिक गिट्टी को ढेर कर दिया जाता है। आपकी जानकारी के लिए हम बताना चाहते हैं कि भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारतीय रेल नेटवर्क 66,687 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसके अंतर्गत 7,216 स्टेशन तथा 119,630 किलोमीटर ट्रैक शामिल हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और कैसे टॉपिक्स में आप वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन न दबाना भूलें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।